उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए जहां पर उपचुनाव होने हैं उसमें प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट भी शामिल है। सभी सियासी पार्टियों ने यहां पर पूरा जोर लगा दिया है। समाजवादी पार्टी ने यहां से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है और मुस्तफा सिद्दीकी पर अपना भरोसा जताया है। इधर कांग्रेस की स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस यह कह रही है कि वो गठबंधन में शामिल भी हो सकती है और गठबंधन से बाहर भी रह सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी इस चुनाव में प्रत्याशी के नाम को लेकर पत्ते नहीं खोले गए हैं, लेकिन पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक या दो दिन के अंदर ही यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। भाजपा के पैनल के पास जो नाम गए हैं उसमें सबसे जो बड़ी दावेदारी मानी जा रही है वो यहाँ की सांसद रह चुकी केशदेव पटेल के बेटे दीपक पटेल की है। इसके अलावा फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से कविता पटेल, जो जमुना पार की महिला अध्यक्ष हैं, उनका भी नाम इस सूची में शामिल बताया जा रहा है। गौरतलब है कि फूलपुर विधानसभा सीट में चूँकि सबसे ज़्यादा मतदाता अगर देखे जाएं तो दलित समुदाय के बाद दूसरे नंबर पर पटेलों का ही यहां पर वर्चस्व है। 4,18,000 के आसपास जो मतदाता हैं उसमें करीब 80,000 के आसपास पटेल वोटर्स हैं। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो मन बना रखा है उसमें पहले नंबर से तीसरे नंबर तक जो नाम आ रहे हैं वो पटेल समुदाय से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। एक नाम और भी है जो इस सूची में बड़ी तेज़ी से चर्चा में है, वो है चंद्रकेश पाल का, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं। इसके अलावा दो तीन और नाम हैं जिनकी चर्चा फूलपुर में भाजपा प्रत्याशी के रूप में की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि एक ही या दो दिन के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर देगी। नाम का ऐलान करने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने लगभग पूरा मन बना लिया है कि उसे ओबीसी प्रत्याशी पर ही दांव लगाना है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक और सहज बात रहेगी कि यहां पर उसके अपोजिशन में अगर समाजवादी पार्टी आती है तो वहां पर एक गैर हिंदू चुनाव लड़ रहा है, जिसका फायदा भी कहीं ना कहीं अगर ध्रुवीकरण होता है तो भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। अब इंतजार है तो इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करे। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।